दिखाई दिखाई नहीं दे रहा था, दिखाए रिकॉर्डिंग है सब इसमें इसमें। इधर देखो इधर देखो इधर ओ चच्चा इधर देखो पहले बताओ हेलमेट कहाँ है। गलती मानो जो है गलती करे हो। अरे यार ये कितने समय गाड़ी चला रहा है, छूटिया बना रहा है तो एकदम यार मोड़ो दे रहे पीछे वक्त रिकॉर्डिंग हुई है इसमें। इधर देखो ओ भैया इधर देखो इसका सब रिकॉर्डिंग हुई है, सब रिकॉर्डिंग हुई है। हमारे पास तो प्रूफ है ना, हमारे पास प्रूफ है। ठीक है गाड़ी नंबर भी देख ले सब कुछ देख ले। तो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है अंशु, आपका जो मेरे चैनल पर बहुत ही दिनों के बाद आज ये वीडियो शूट हो रहा है भाई। और मतलब क्या ही बताएं, मतलब मोटो व्लॉग भी और व्लॉग भी नॉर्मल। अब पिछले दिन बाद में शूट कर रहा हूँ और लास्ट मैंने वीडियो अपलोड करी थी यूट्यूब पे अपने के बाइक डिलीवरी की, ठीक है। उसके बाद भाई मतलब ऐसा कोई शूट हुआ नहीं है कि मतलब आपके लिए यूट्यूब पर डाल लेते। तो आज डाल सके हैं और संजय राय जो भाई अपने तो 7:06 हो रहा है और मैंने संजय राय रखी थी भाई। इस बार चाय चमड़ने की चाय थी, मतलब उसका नाम ही है जो मतलब चमड़ने की चाय। और सबसे पहले ये देखो कि सनराइज कितना बढ़िया हो रहा है भाई। ओहो और पहले ये जो खुला रहता था यहाँ से हम लोग यूँ जाते थे, अब हम लोग को उधर से आगे जाना पड़ता है। मतलब 1 किलोमीटर हम लोग को ये पड़ जाता है उधर जाना फिर उधर से वापस उतना आना, ये 1 किलोमीटर अब हम लोग को पड़ता है भाई। और भाई मैं पेट्रोल है ना ब्लिंक हो रहा है तो अभी रास्ते में पेट्रोल भी चलाते हुए जाएंगे। और भाई रस्ते किराए हमने चमड़े की चाय थी तो अभी पेट्रोल पर कैपिंग होगी, अब लोग मिलेंगे वहीं से जो भी है समझ लो ना, दो ही कार आएंगे बस लेकिन आएंगे भाई। सो भाई अभी आ चुके हैं फन मॉल पे और ये देख सकते हो, देख सकते हैं कि चाय चल रही 5-5 रुपए वाली, 15 नहीं पिला रहे 5 पिला रहे भाई। कटिंग पिला तो रहा है ना, हाँ। कटिंग पी लेते हैं अभी आगे चल के, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। और यहाँ देख सकते हो अपनी 2 B2s और खड़ी हुई है, पांडा और ये शॉटगन और ये अपने वैम्पायर। हाँ फिर कॉले आएंगे नंबर डाल दोगे मेरा कि अंशु भाई मिलवा दो, अंशु भाई। अरे हमसे क्या मिलवा दो तुम, मैं परेशान हो जाऊंगा फिर भाई। तो ना उसमें से लड़के को लड़के को ज्यादा करेंगे, हां वही इसलिए भाई हम लोग नंबर नहीं देते ना, कॉल आता है ऐसे भी प्रपोज दे भाई प्रपोज दे। तो भाई लोग पेट्रोल डला लिया है और अभी फिलहाल निकल रहे हैं, अब भैया सीधा पहुंचेंगे वहीं पे एमएमओ में, अनुराग मिलेगा अपना अनुराग भाई, उसके बाद सीधा पहुंच जाएंगे वहाँ। 8:17 हो चुका है, हिमांशु भाई अपना हमेशा की तरह लेट करते हुए। अरे यार पहली बार देख रहा हूँ मैं, पहली बार लेट हुआ हूँ, हमेशा लेट करता है भाई। अब दबा देते हैं भाई सीधा वहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं भाई, अपने साथ भी निकले हैं और भाई अपना आगे आओ। तो भाई लोग अभी हम लोग पहुंच गए हैं एमा मऊ, मतलब सही पर के पुल के नीचे पहुंच गए और बाकी यहाँ पे अनुराग भाई अपना मिलेगा। और भाई कहाँ है कॉल वॉल करते हैं भाई को, देखें कहाँ है भाई। बाकी 4 R1 अपने साथ यहाँ पे हो चुकी है, 3 रेड और 1 व्हाइट और 1 Apache हो जाएगी। बाकी यार कोई भी नहीं आया गाइस, दिल से बुरा लगता है गाइस, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मतलब क्या बोले हद। तो भाई लोग जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं, हम लोग मतलब इस स्पीड में चल रहे थे कि जिस लोकेशन पर रुकना था यहाँ से लोकेशन 10 किलोमीटर पीछे छोड़ गई है। तो ये सारी गलती अंशु भाई की है, सबसे आगे अंशु भाई चल रहे हैं, बस आगे जरूर चल रहे थे लेकिन पीछे तो तुम ही थे ना, अब उनके पीछे ही थे, मैं पीछे पीछे था। और ये 30-40 चलोगे तो ना 13-14 की स्पीड में हम लोग चल रहे थे। ये झूठ बोल रहा है, वीडियो उड़ा दिएगा, 340 की स्पीड चल रहा है क्या, बताओ यहाँ से 10 किलोमीटर वापस जाए क्या बताएं भाई। आप ही बताओ जीरो की कोई वैल्यू होती है क्या भाई, लोग बहुत वैल्यू होती है, बहुत एक्सप्लोर हो जाएगा भाई। लोग बच्चों से जा रही है, हम भी जा रहे हैं भाई, अब हम लोग को यू टर्न लेके आगे से जाना पड़ेगा और हम लोग की लोकेशन 10 किलोमीटर ना,
10 किलोमीटर पीछे रह चुकी है। तो भाई चलो चलते हैं और आपके। तो भाई लोग अभी फिलहाल पहुंच चुके हैं भाई चवन्नी की चाय पे, और ये सामने देख सकते हो ये भाई चवन्नी की मशहूर चाय, मतलब ढूंढने में टाइम लग गया। और भाई हम लोग जो है पहुंच गए थे 10 किलोमीटर आगे टोल के पास एकदम, और वहां से हम लोग आए वापस। बाकी यहां पे जो है मतलब लोग, मतलब ऐसे मैं ब्लॉग कर रहा हूं तो लोग ऐसे देख रहे हैं, मतलब मैं क्या ही कर रहा हूं। और अभी फ़ोटोशूट भी यहां पे मतलब कुछ लोग आके करा के गए हैं, तो ये चीज़ है मतलब अच्छा लगता है, अपना दिल से अच्छा लगता है। बाकी अभी चाय वाय पीते हैं, और दानिश और अनुराग भाई अपना शूट कर रहा है उधर जाके। बाकी ये खड़ी अपनी चार ब्यूटीज़, एक अपनी दानिश वाली उधर चली गई ये शूट के लिए, यही सीन है। बाकी बाकी यार हैरिस का दिल से सपोर्ट करो मेरे भाई को, हैरिस का मोटो ब्लॉग्स को, और लूट कर रहा लेट के लिए हैरिस खान। हैरिस खान, हैरिस सूरज, हैरिस सूरज आईडी मैच करती है, रंग मैच करता है। तो भाई लोग अभी हम लोग निकल चुके हैं, और यार वहाँ पे मैंने लास्ट में एक बर्नआउट मार दिया, मतलब लास्ट में बर्नआउट मार के निकल गए। क्यों तुमने मारा था ना? हाँ तुमने भी मारा, हमने मारा। हाँ और अगर वो बर्नआउट देखना चाहते हो तो भाई इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, अंशु मोटो ब्लॉग नाम से आएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, तो फॉलो कर देना जाके। और बाकी भाई बहुत मतलब रिएक्शन में तगड़े आ गए थे, और हालांकि प्रॉपर वीडियो नहीं शूट हुआ लेकिन हाँ हो गया फिर भी। तो यही सीन है, इंस्टाग्राम पर वीडियो आएगी भाई रिएक्शन। बाकी अभी जा रहे हैं और बढ़िया मतलब टायर आए और अबे वीडियो नहीं बनाए यार, चाय नाश्ता करते जाए। अरे भाई चाय नाश्ता करे, वीडियो नहीं बनाए, चलो कोई बात नहीं। तो यही सीन है भाई लोग, और अभी जा रहे हैं, अभी यहाँ से हम लोग को जाना है काफी दूर। अब यहाँ से हम लोग लखनऊ 40, अपना घर हम लोग 45 किलोमीटर पड़ेगा, 45 किलोमीटर अंडरस्टैंड। तो यही चौकी अभी थाना लोनी का, लोनी कचरा जनपद 12, क्या 12 बंकी लिखा था, 12 बंकी लिखा था, 12 बंकी लगता है। अबे भाई ये 12 बंकी है भैया, लगता है क्या वो 12 बंकी अलग है? हाँ भैया आज मजा बहुत आया है, और अभी आगे चलते हैं, देखते हैं क्या सीन होता है, जैसा भी होगा अभी आपको आगे दिखाते हैं भाई। आओ ये एक भाई क्या बोलते हैं एक स्प्लेंडर वाला था, उसने यहाँ से एकदम से मोड़ दिया, मैं और सैम एकदम साथ में चल रहे थे, हम लोग बहुत बहुत बचे हुए हैं। चल ये चल ये दुकान में घुस गया साला। ओ दिखाई दिखाई नहीं दे रहा था, दिखाए रिकॉर्डिंग है सब इसमें, इसमें इधर देखो, इधर देखो, इधर ओ चच्चा इधर देखो, पहले बताओ हेलमेट कहाँ है, ओ हेलमेट कहाँ है, हेलमेट हेलमेट क्या है, हेलमेट कहाँ भैया यार, बुलाएं दुकान भैया, पुलिस बुलाएं, इधर देखो इधर, ओए यार इंडिकेटर कहाँ चला रहे हो गाड़ी, रिकॉर्डिंग हुई है इधर देख, रिकॉर्डिंग हुई है ठीक है, पुलिस बुलाओ अभी, गलती गलती कर रहा तो मानो उसको, इधर देखो ओए पुलिस बुलाओ, इधर पुलिस बुलाओ, सुनो ओए नहीं गाली सुनो, गलती मानो तो छोड़ दे रहे, गलती मानो, गलती मानो क्या है, गलती करे हो, अरे यार ये कितने समय गाड़ी चला रहा है, छुट्टियां बना रहे हो, आए 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 एकदम यार मोड़े दे रहे पीछे रखते, गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, एकदम एकदम मोड़ दे, रिकॉर्डिंग हुई है इसमें, इधर देखो ओ भैया, इधर देखो इसमें सब रिकॉर्डिंग हुई है, कहाँ देखी बताओ, सब रिकॉर्डिंग हुई है, हमारे पास तो प्रूफ है ना, हाँ वो प्रूफ है, ठीक है गाड़ी नंबर भी देख ले, सब कुछ देख ले,
तमीज नहीं है यार इन लोगों को, देहाती साले को ना बहुत। अभी ये लेन से ये गाड़ी मोड़, अबे किस हिसाब से गाड़ी रोकी गई है ये समझो, और ऐसा तू नहीं कर रहा है। अच्छा भाई अपनी गलती मानो, हम लोग जाए बता रहे तुम इतना ये गाड़ी लियो वो गाड़ी लियो, अबे तुम्हें औकात नहीं चलाने की, हम लोग लिए तो यार। तो भाई लोग अभी बैठे हुए हैं कैफे में और आ चुके हैं मतलब अपने एरिया गोमती नगर में, काफी देर से बैठे हैं और ये देख सकते हो अपने भाई साहब पी चुके हैं पहली गलती की, और ये देखो मतलब पी चुके हैं निपटा दिए हैं, तब आपको दिखा देते हैं आइडिया है कि लोग व्लॉग बना लेते हैं यहां का भी थोड़ा सा। मेन रीजन ये है कि आपको इसलिए नहीं पहले दिखाया कि आप लोग ना मांग लेते हम लोग को शेयर करना पड़ जाता, इसलिए हमने कहा भाई पहले पी लो फिर शेयर, मतलब कैमरे के अंदर से फोन के अंदर से हाथ डालते हैं यूट्यूब के अंदर से निकाल लेते हैं क्या। बस यही सीन है। और बाकी टाइम कितना हो रहा भाई? टाइम हो रहा है 12 बजने वाला है, 11:46 मतलब 12:15 हो चुका है और हम लोग सुबह 7 बजे के निकले ना। हाँ तो यही सीन आज मतलब बहुत एंड। और ये वहाँ का जो सीन हुआ था कि वो बाइक ऐसे थी बीच में एकदम राइट मोड़ दी बगैर इंडिकेटर कुछ दिए, हाँ। तो बाद में हम लोगों से भिड़ लाए 150 की स्पीड में, और 150 की स्पीड में भाई 80 की स्पीड में थे, 60-70 की हो गई है ना, नहीं 80 रहा होगा भाई, 80 इज नॉर्मल ही, चलो कह 150 स्पीड में गाड़ी देखे, और पहले कुछ नहीं बोल रहा है वो, जहाँ उसके लोग इकट्ठा हो गए सुबह चढ़ रहे हैं हम लोग, हाँ उसके बाद भाई वो लगा कि चलो हटते हैं थोड़ा मामला ठंडा करते हैं वरना बवाल होता, वो लोग के ज़्यादा थे ही, हम लोग दो थे भाई क्या कर पाते वहाँ, वही बात ना करना नहीं चाहते हैं कुछ भी कर लेते, हाँ जीतते तो अमीर लोग कुछ भी होता, और ये देख लिया कि यहाँ राइडर्स की बहुत मारी जाती है। देखो कर वो कुछ ना पाते लेकिन ये है कि वहाँ पे उनका पड़ला भारी था क्योंकि लोग उनकी तरफ से ज़्यादा आ गए थे और हम लोग तो यहाँ पे दो थे, ऊपर से हम लोग के पास क्या था सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बाइक को टारगेट बनाया जाता है, इसलिए भैया हम लोगों ने सोचा कि वहाँ से निकलना ज़्यादा ठीक रहेगा, इसलिए भी हम निकल आए। और बाकी मतलब ये है ना कि अच्छे मूड से गए थे वहाँ राइड करके आए, ठीक है फिर वहाँ पर मारपीट हो या फिर पुलिस थाना मतलब ये सब चीज़ें नहीं, हालांकि हम डराने के लिए बोल रहे थे कि बुलाए पुलिस को, वहाँ पर थोड़ा दो चार गालियाँ भी मुँह से निकल गई, लेकिन भाई वो बिहेवियर ऐसा कर रहा था कि मतलब वहाँ पे बोलना पड़ ही गया, और भाई क्या ही बताएं, हालांकि मेरे पास वो जब वो मुड़ा था वो वाली वीडियो नहीं थी, बट मैं उसको डराने के लिए बोला कि मेरे पास सब रिकॉर्डिंग है। और भाई अगर आप लोग भी जाते हैं गांव एरिया में या कहीं हाईवे वगैरह पे, देख के चलाए करिए गाड़ी वाड़ी, क्योंकि कब कहाँ से फांद आए कहाँ से निकल जाएँ क्या देख सकते हो भाई, देखिए भाई गाड़ी हम लोग भी बहुत देख के चला रहे थे, बट ये होता है ना कि 80 की भी स्पीड एक स्पीड होती है, उसमें अगर भाई बीच वाली लेन जो होती है डबल लेन रोड थी, बीच वाली लेन थी उसमें बीचों बीच चल रहा था वो, एकदम से उसने राइट कर दी, तो भाई मैं तो चलो लेफ्ट दबा के निकल गया, भाई सैम बहुत बचा था वहाँ पे, एकदम मतलब इंजन ब्रेकिंग करके वो बचाए इतना क्रैश हो जाता वहाँ पे, तो सोचो मतलब किसी की और की गलती की वजह से यहाँ पे इतना मोटा अपना नुकसान होता है, और भाई क्रैश में तो बहुत ही कुछ हो सकता है, तो बस यही सब चीज़ें, इसीलिए मेरा मूड ख़राब हुआ, मैंने कहा चलो घुमा के इसको कुछ दो बातें बोलेंगे तभी मेरा दिल भरेगा भाई, इसलिए हम भाई चले गए घुमा के, बाकी यही था, बाकी आप भूलते हैं उस चीज़ को, भूल भी गए हालांकि यहाँ पे आके अब माइंड ठंडा किया और ये सब ठीक है, क्योंकि रोड वगैरह पर ये सब चीज़ें तो हो ही करती हैं, बट उसका जो रिएक्ट था वो बहुत मुझे खराब लगा, स्पेशली बाइकर्स के साथ तो ये सब अक्सर होता है, तो ये बहुत कुछ होता है भाई, हल्का से अगर टच भी कर जाएगा ना 150 से 300 हम लोग की बाइक देख के बस यही सोचते हैं, बस ये बाइक देख खुद तो ले नहीं पाते भाई, कहना चाहिए खुद तो ले नहीं पाते दूसरों को, वही चीज़ है, अब बार बार बोल रहे ऐसी बाइक लेके चल रहे हो ऐसी बाइक, अबे भाई अपने बाप की कमाई की लेके चल रहे हैं, उन लोग को क्या दिक्कत हो रही है, उनकी कमाई लेके चल रही, तो यही सीन था, अब चलो कोई नहीं अभी यहाँ से निकलते फिर ब्लॉग एंड करेंगे, और बस आप अपना ओपिनियन देना भाई कमेंट में क्या मतलब हम लोग ने जो किया वो सही था या नहीं, बाकी पूरे ब्लॉग में देखना, हाँ भाई वो पूरा ब्लॉग देखना भाई, तुम पूरा नया बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई लोग अभी फिलहाल निकल चुके हैं और भाई जा रहे हैं मामा के घर, मतलब क्यों जा रहे हैं वो भी आपको बता दें, आज है अपने कार्तिक का बर्थडे, अपने छोटे भाई का, और कल था आस्था का बर्थडे, तो भाई कल भी गए थे और आज भी जा रहे हैं, यही सीन है, बाकी अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, होप करते हैं ब्लॉग में मज़ा आया होगा, और हाँ जो भाई वो जो हम लोग की लड़ाई हो गई थी ज़रूर से बताना आपका क्या पॉइंट है, आप क्या मतलब बोलना चाहोगे उसकी करके कमेंट करके ज़रूर बोलना मुझे, और बस यही था, और बाकी मज़ा आया यार आज की राइड में, तो करता आपको मज़ा आया होगा।
चलो इस ब्लॉग को ये पेंट कर दो, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ रिकमेंडेड शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं किसी बढ़िया से न्यू ब्लॉग।